सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के बड़ी अपडेट है। लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को डोनेट किया है। सफल इलाज के बाद रोहिणी आचार्य फिलहाल डिस्चार्ज हो गई हैं। आपने तस्वीरें देखी लालू प्रसाद यादव की, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था उस वक्त बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, साथ ही साथ बेटी मिसा भारती सहित जो लालू परिवार था वो वहाँ पर मौजूद था। और आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है वो भी अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज हो गई। लालू प्रसाद यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अभी भी लालू प्रसाद यादव अस्पताल में हैं, डिस्चार्ज नहीं हुए, जिसको लेकर के बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के दुआ के लिए पोस्ट लिखा है। आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य लगातार अपने पिता के दुआ के लिए, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको आग्रह करती रही हैं कि आप दुआ कीजिए पिता की तबीयत को लेकर के। एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया है, अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि आप लोग के दुआ से आज मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हूं और लेकिन पिताजी की तबीयत अभी भी नासाज बनी हुई है और अभी भी आप लोगों की दुआ चाहिए और दुआओं का असर अगर होगा तो पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच आएंगे। ये बातें, ये पोस्ट रोहिणी आचार्य लिख रही हैं। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार लौट आए हैं, पटना लौट आए हैं, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल के बेड में ही हैं। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होने के बाद वो वापस घर लौट सकते हैं। तो रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपने पिता के लिए पोस्ट लिखा है। रोहिणी आचार्य लगातार अपने पिता के लिए ऐसी बातें और ऐसी भावुक पोस्ट लिखते रहती हैं, फैंस से ये आग्रह करते रहती हैं कि आप सभी लोग दुआ कीजिए, आप लोग के दुआओं का असर होगा। आपको बताएं कि जब लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था तो पटना से लेकर के सिंगापुर तक दुआएँ चल रही थी कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव का सही तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक हो जाए। और इसके लिए पटना में कई जगहों पे कार्यकर्ताओं ने हवन करवाए। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं उन्होंने पाठ कराया, हवन कराया, इस तरीके की चीज़ें लगातार उनके जो चाहने वाले थे लालू प्रसाद यादव के करोड़ों फैंस से पूरे देश भर की बातचीत कर ले तो वो लगातार लालू प्रसाद यादव के लिए दुआएं कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी जल्द से जल्द लालू यादव स्वस्थ हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाए, इसके लिए लगातार लोग दुआएं कर रहे थे। और साथ ही रोहिणी आचार्य के इस पहल से, रोहिणी आचार्य द्वारा पिता को जो किडनी डोनेट किया गया था इसको लेकर के हर कोई रोहिणी आचार्य के बारे में जो है वो पोस्ट लिख रहा था, बड़ाई कर रहा था, रोहिणी आचार्य को कह रहा था कि बेटी हो तो ऐसी, अपने पिता के लिए उन्होंने एक एक किडनी डोनेट कर दिया। तो इसको लेकर के रोहिणी आचार्य के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्होंने सराहना की है और बड़ाई किया है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर किसी को मिलना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के जान के लिए अपना एक किडनी जो है वो डोनेट कर दिया है। तो लालू प्रसाद यादव के लिए दुआएं हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होकर बिहार लौटे, पटना लौटे, अपने फैंस के बीच में आए, ये हम भी दुआएँ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।